एक्चुअली वहां से दो रास्ते हैं जाने के, थोड़ा सा लंबा रहता है बट सेफ रहेगा। ये तेनू घाट के लिए आपको पेटावार पहुँच कर लेफ्ट लेना रहता है। कोविड है, कोविड करके रास्ता भी बंद चल रहा है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कि डैम का एक गेट खुला हुआ है। यहाँ एक से डेढ़ घंटा लगा यहाँ पहुँचने में। पास में एक सीढ़ी है, वहाँ से भी आपको नजारा दिखाएंगे कि कैसा दिखता है ये। बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा है बट बहुत डरावना भी लग रहा है। मतलब कि आप सब भी जरूर यहाँ आइए कि हम लोग वहाँ टॉप में जाएं। तीन कप ये बन के तैयार है, ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाना है। बहुत ही जबरदस्त नजारा यहाँ से, दिल खुश हो गया यहाँ आके। तो गिन्नी कैसा लग रहा है? काइंड ऑफ पतरातू वैली जैसा बनाया जा रहा है वो उस जगह पर। हम लोग वहाँ पर फोटो खिंचा रहे थे। ये गेट है जो सीढ़ी से हम चढ़ करके ऊपर है, वो वर्ड था कि आप सभी अगर रांची में रहते हैं, रांची के नियर बाय कहीं भी रहते हैं, बहुत ही जबरदस्त सीन है। और मैंने तो बताया है कि कुछ दिन में ये पतरातू का कम। सब अपना ख्याल रखें और ये पागल वाला हरकत ना करें। मम्मी कैसा लगा मार्केट? अच्छा था, सस्ता था मार्केट। आपको सब्जी खरीद सकते हैं आप, सस्ती रहती है और रोड काफी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे पहले व्लॉग जाकर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, क्योंकि उस पे हम लोगों ने रांची से रिलेटेड कुछ कुछ व्लॉग बनाया है और डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा। और आज हमारे साथ है संदीप, मैं तो रहूंगा ही। और इस बार हमारी फैमिली भी फिर से साथ में आपको देखने को मिलेगी, पूरे यूट्यूब फैमिली को। ज्योति, मम्मी, बरखा, तो आज भी आप पूरी मस्ती देखेंगे मेरी पूरी फैमिली के साथ। और आज हम जा रहे हैं तेनू घाट और हम लोगों ने जस्ट अभी पेटरवार पार किया है और व्यू तो देखते देखते ही रास्ता पार हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने हुंडरू फॉल और गेतल सूद डैम कवर किया था, उसका व्लॉग हमने बना करके अपलोड कर दिया है। तो यूट्यूब चैनल पे जाइए यू मी एंड ट्रैवल पे और वो व्लॉग भी देखिए, काफी अच्छा था, हमें ऐसा लगा, आपको भी लगना चाहिए। हम लोग अभी जा रहे हैं तेनू घाट और तेनू घाट हम जा रहे हैं रजरप्पा से। एक्चुअली वहाँ से दो रास्ते हैं जाने के, एक जो है वो रजरप्पा मंदिर होते हुए जाना है और एक आपका गोला होकर के जाते हैं। तो हम लोगों ने गोला वाला रास्ता लिया है क्योंकि लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो मंदिर के पास वाला रास्ता है वो उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं विद फैमिली प्लान कर रहे हैं तो हमारा भी ये सजेशन रहेगा कि गोला होकर के जाएं, थोड़ा सा लंबा रहता है बट सेफ रहेगा। के लिए आपको पेटावार पहुँच कर लेफ्ट लेना रहता है और बीच में छोटा सा सिटी पड़ता है। रोड अभी तक ओके है, बीच में एक टोल गेट पड़ेगा आपको। ये है तेनू घाट जो कि यहाँ से काफी खूबसूरत दिख रहा है और व्यू बहुत ही खूबसूरत है। कोविड है, कोविड करके रास्ता भी बंद चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ से आप कार से नहीं जा सकते हो, हाँ लेकिन अगर आप पैदल चाहो तो अंदर जा सकते हो घूमने के लिए। आप चाहो तो यहाँ से भी, यहाँ अंदर आकर पीछे वाले रास्ते से गाड़ी यहाँ पर आगे खड़ा करके और आप ऊपर सीढ़ी से जा सकते डैम देखने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि डैम का एक गेट खुला हुआ है। यहाँ से जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी एक सीढ़ी जाती है, सीढ़ी से हम लोग अभी नीचे जाएंगे और आपको नीचे से डैम का नज़ारा दिखाएंगे। जस्ट वाओ, मतलब बहुत समय बाद ऐसा कुछ देख रहे हैं, मतलब इतना जबरदस्त पानी का फ्लो है यहाँ पर।
ही बहुत ही सुंदर है, मस्ट विजिट प्लेस है, एक बार जरूर आइए और यहाँ पर आकर के इस लोकेशन का पीसफुल है थोड़ा सा पीसफुल लोकेशन का मजा लीजिए। हम लोग यहाँ पर हैं डेनुघाट डैम में। अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा लगा यहाँ पहुँचने में रजरप्पा से, और हम लोगों को लगा कि शायद ये बंद होगा, हम लोग यहाँ नहीं जा पाएंगे, बट लोगों से जब पूछा तो ऊपर से न जा करके एक नीचे से रोड जाता है डैम के पास, वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए और हमें जो नज़ारा मिला वो कुछ इस तरह है। अभी शायद हम लोग वहाँ ऊपर भी जाएंगे डैम पे, पास में एक सीढ़ी है, वहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाएंगे कि कैसा दिखता है ये। ज्योति बोल नहीं रही हो, तुमको कुछ बोलना था, तुम बोल रही थी, बोलो क्या बोले। तो हम लोग आए डैम देखने, बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा है बट बहुत डरावना भी लग रहा है, मतलब हिम्मत नहीं हो रहा कि उसके पास जाए, और मतलब आप देख ही सकते हो इतनी ज़्यादा दूर नहीं बट फिर भी डर तो लग ही रहा है, बट बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब वाओ। और मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप सब भी ज़रूर यहाँ आइए, समझे। अभी तो बट एक गेट उसका खुला है, बट अगर सारे खुलते तो ये बहुत बहुत अच्छा लगे। अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, मतलब घर नहीं, हम लोग अब कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ टॉप में जाएं और वहाँ से देखें कि कैसा नज़ारा दिखता है। तो यहाँ पर हमने कॉफ़ी बोली है 3 कप, ये बन के तैयार है, मशीन रखे ना। यस, तो अभी हमें यहाँ जाना है वो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाना है। तो अब यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है चढ़ने का सीढ़ी पर, ये वाली सीढ़ियाँ। बच्चे लोग दौड़ दौड़ के चढ़ते हुए, सीढ़ी बहुत ज़्यादा है, इतने में ही थक गए। हाँ तो प्रैक्टिस छूट गया ना चढ़ने का सीढ़ियाँ, बच गया, यहाँ पर सीढ़ी नहीं थी, मुझे लगा सीढ़ी है। कैसा लग रहा है चढ़ते हुए? बहुत थक गया, खत्म। टाटा, बाय बाय, खत्म। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा यहाँ से, लाइक अल्टीमेट, मतलब स्टार्टिंग में जब लगा कि गेट वगैरह नहीं खुला है और इधर आने को नहीं मिलेगा तो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे, बट जब यहाँ पहुँच गए तो सारा डिसअपॉइंटमेंट दूर हो गया। वाओ, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, वाओ मैन, दिस इज़ ब्रिलियंट। बहुत ही सुंदर है यार, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ आके। ज्योति को क्या हुआ है, ज्योति से जाके पूछते हैं क्या हो गया आपको। कुछ हुआ नहीं जीजू, बस बैठ गया, नज़ारा देख रहे हैं। नज़ारा, थक गए थे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। तो गिन्नी कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत खूबसूरत है ये जगह, लाइक पीछे में एक्चुअली एक पहाड़ भी है जो कि एक्चुअली फॉग वाला थोड़ा वेदर है, इस करके वो दिख नहीं रहा, वो उस जगह पर है। लाइक ऐसा लग रहा है वो जब हम थाईलैंड गए थे ना तो उस पर इस तरह के सीन्स आते थे जब हम वोटिंग करते थे उस पर। बोट से वहाँ जाना है, उतरना है। अब मैं आपको आगे लेकर के जाता हूँ जो डैम का गेट है उसके पास, जहाँ से पानी गिर रहा था नीचे की ओर, तो वो इस तरफ है
यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं है, विच इज़ रियली गुड। क्योंकि क्राउड होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता ही है, कोविड वाला रहेगा, मास्क लगाओ और कहीं पर भी कुछ ज़्यादा खा नहीं सकते आप। लेकिन यहाँ पर थोड़ा खाली खाली एरिया है तो वो सारी चीज़ें ईजिली हो जा रही हैं। इससे पहले की जो आपने वीडियोस देखी होगी उस समय हम लोग डैम के नीचे में थे और अभी हम लोग डैम के ऊपर हैं। अभी मतलब जैसे नीचे में जो शॉप वाले हैं उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि इसे भी रिनोवेट किया जा रहा है, मतलब नए तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे कि पतरातु वैली है यहाँ की, राइट, तो इसे काइंड ऑफ पतरातु वैली जैसा बनाया जा रहा है। और वो बोल रहे हैं कि मुश्किल से छः महीने साल भर में इसका कायापलट हो जाएगा। तो आई गेस हम लोग फिर 6 महीने साल भर बाद फिर से आएंगे यहाँ पर और आकर के देखेंगे कि कैसा है। जगह पर थे जो नीचे में आप देख रहे हैं वो उस जगह पर हम लोग वहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे थे इस प्लेस पे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वहाँ पर जो पहाड़ दिख रहा था दूर से वो ये वाला पहाड़ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आइलैंड वगैरह है। जो गेट यहाँ पर खुला हुआ था ये गेट है, जो सीढ़ी से हम चढ़ करके ऊपर है वो वर्थ था, कम्प्लीटली वर्थ था इसलिए इस नज़ारे के लिए। तो मैं भी बोलूँगा कि आप सभी अगर रांची में रहते हैं, रांची के नियर बाय कहीं भी रहते हैं तो डेफिनेटली तेनू घाट डैम आएँ और इसकी जो ब्यूटी है उस ब्यूटी का आनंद लें। अभी हम लोग देखें और कहाँ कहाँ जाते हैं इस व्लॉग के बाद, क्योंकि यहाँ आसपास जितने भी एरिया है रांची में हम ट्राई कर रहे हैं कवर करने का वन बाई वन। बरखा किधर की दिखी नहीं रही कैमरा में। हाँ बरखा बोल रही है मैं नहीं डरती, लेकिन जो ये बोलता है वो सबसे ज्यादा डरता है। गिरनी कुछ ज्यादा डरती है, ये चीज तो मैं देखी पहली बार। भाई हर जगह हर हमेशा डर के आगे जीतनी होती है, ठीक है, थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखने का। हर हमेशा डर के आगे निकलोगे तो पता चला कि परमानेंट टिकट कट गई ऊपर की। बहुत ही जबरदस्त सीन है, आई गेस ये सिनेमैटिक जैसा ही है इसलिए ये बनाया हुआ आई गेस व्यू पॉइंट होगा यहाँ का। इस जगह पर भी आप आकर के फोटोशूट और ये सारी चीज़ें करा सकते हैं और आई गेस ये रिनोवेट होने के बाद और अच्छा बन जाएगा। यहाँ से जो व्यू दिखता है वो कुछ इस तरह का है, वो जो डैम का रोड है सीधा। और हम लोग करते हैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड, क्योंकि अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है और बहुत फोटोशूट कराया, इन्जॉय किया हम लोगों ने और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। और मैंने तो बताया है कि कुछ दिन में पतरातु को कम मैंने तो बता दिया आप लोगों को, कुछ दिन में ये तेनू घाट पतरातु डैम को टक्कर देने वाला है। करेक्ट, तो हम उस समय का वेट करेंगे और फिर आकर व्लॉगिंग करेंगे। करेक्ट, तो एंड करने से पहले हम आपको सबसे मिला देते हैं और एक जो लड़की है वो गुमशुदा होकर के कहीं पर खड़ी हुई है। लड़की को जो लालच है वो बैर की लालच है। और हर बार की तरह हम आपको हमारा नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताएंगे। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय टाटा, सब अपना ख्याल रखें और ये पागल वाला हरकत ना करें। तो सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। जब आप तेनूघाट से वापस रुद्रप्पा की तरफ जाते हैं तो वहाँ से दो रास्ते आपको मिलेंगे, एक जो आप गोला से होकर के जाएंगे जहाँ से हम लोग आए थे और एक रास्ता मिलेगा गोला से पहले जहाँ पर रुद्रप्पा का एक बोर्ड लिखा हुआ है, वो राइट साइड रास्ता आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग वहाँ से जा रहे हैं और ये रास्ता अभी तक तो ठीक है, गांव के बीच से होकर के गुजर रहा है। अब ये रुद्रप्पा मंदिर होते हुए जाएगा
तो अभी आगे देखते हैं और रास्ता कैसा रहता है। अभी जहाँ तक है वहाँ तक ठीक है, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली जो रजरप्पा मंदिर है वो 15 किलोमीटर है। जब हम तेनू घाट डैम से लौट रहे थे तो रास्ते में सब्जियाँ मिल गई, तो मम्मी सब्जी लेने लगी है। ये मम्मी टमाटर ले रही है। कितनी सारी सब्जियां यहाँ हैं और काफी ज्यादा सस्ती सब्जियां हैं। अभी ये लोकल मार्केट से सब्जी ली, जहाँ पर फ्रेश जो रहता है खेत से तोड़ करके सब्जी देते हैं और काफी सस्ती। मम्मी कैसा लगा मार्केट? अच्छा था, सस्ता था मार्केट। मैं तो मटर खाना स्टार्ट, फ्रेश एकदम फ्रेश था। मटर काफी ज्यादा मीठा था। और अब हम घर पहुँचने वाले हैं। तो ये गांव-गांव से जो रोड जाता है, एक चीज का फायदा है यहाँ पर कि आपको सब्जी खरीद सकते हैं आप, सस्ती रहती है और रोड काफी अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ खराब रोड नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली तेनूघाट डैम जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा भूला से ना जा करके आप डायरेक्टली रजरप्पा मंदिर वाले रोड से आ सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और हमारा नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा होगा हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताएंगे।